तो आज के हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं गूगल सीट के बारे में। गूगल सीट हमने इससे प्रीवियस क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया था कि गूगल सीट क्या है, कैसे है, किस तरह से परफॉर्म करते हैं वगैरह वगैरह, राइट? यस। चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले तो ड्राइव खोलते हैं और ड्राइव में जाते हैं, तो आपकी जो पुरानी फाइल्स जिस पे आपने काम किया वो आपको गूगल ड्राइव में मिलेगा, या फिर आप यहीं से न्यू नई भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि जो आपका एक फोल्डर होता है ना सर, जैसे जी एक्सेल आप ओपन करते हैं और आपके एक्सेल में अलग अलग फोल्डर होते हैं, सेम तरह का फोल्डर से बाकी चीजें आपकी ड्राइव में होती है। तो आपको सबसे पहले अपना ड्राइव खोलना है। ड्राइव में यहां आप देखेंगे बहुत सारे फाइल्स हैं। अगर नई फाइल चाहिए तो न्यू पे जाके आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। डॉक मतलब कि एमएस वर्ड टाइप का, एक्सेल टाइप का शीट हो गया, पावर पॉइंट टाइप का स्लाइड हो गया, इसमें आपका आता है गूगल फॉर्म। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, ड्राइंग है, मैप्स है, शाइट्स है, स्क्रिप्ट है, जमबोर्ड है, कैलकुलेटर है, टेक्स्ट एडिटर है, जिप एक्सट्रैक्टर है, तो और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, राइट सर? तो चलिए मेरे पास ऑलरेडी क्रिएटेड है, उस पर हम क्लिक करते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, एक अलग टैब में खुल गया, इसको हम लोग गूगल शीट कहते हैं, गूगल स्प्रेडशीट, राइट, गूगल शीट भी कहते हैं। और मान लीजिए आपने खुद से नया लिया कुछ, तो पुराना है, एक काम करते हैं नया खोलते हैं, न्यू पे आते हैं और हमने यहाँ पे गूगल शीट पे क्लिक किया और क्लिक करते हैं, एक नई शीट यहाँ खुल गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको करना है इसका रिनेम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट दिख रहा है, yes. जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पे हम नाम चेंज कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिया डेटा पी, राइट सर? यस। डेटा पी के नाम से फाइल हमारे ड्राइव में सेव हो गई। तो यहाँ आपका डेटा पी सर्च करेंगे थोड़ी देर में, तो यहाँ आपको डेटा पी नाम का फाइल दिख जाएगा, ठीक है? अभी नहीं दिख रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अब इसमें आप अपना डेटा यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हमारे 2003 में जो थे ना, वो सेम चाहिए यहाँ पे, सेम तरह का फीचर यहाँ आया। एक्सेल 2003 में या आपके इसमें ऑफिस सिम्फनी होता है ना, एक सिम्फनी सॉफ्टवेयर होता है IBM का, ओपन आरजी होता है, तो उस तरह के विंडोज यहाँ आपको प्रोवाइड। एक बार देख लेते हैं कौन सा विंडो में क्या होगा। अगर एक्सेल स्प्रेडशीट से रिलेटेड कुछ चाहिए वो आपके फाइल में मिलेंगे। आपको डेटा एडिट करना है, इसे कॉपी पेस्ट करना, पेस्ट स्पेशल करना, डिलीट करना, फाइल रिप्लेस करना, ऐसे ऑप्शन जो है आपको एडिट में मिलेंगे। व्यू से रिलेटेड शो करना, फ्रीज करना, ग्रुप करना, जूम करना, फुल स्क्रीन करना, ऐसे फीचर्स आपको व्यू में मिलेंगे। Yes. कुछ इंसर्ट करना, चाहे सेल हो, कॉलम हो, शीट हो, या चार्ट्स हो, पिवट्स हो, इमेज हो, या कोई फॉर्मूला हो, चेकबॉक्स हो, ये सारी चीजें कहाँ मिलेगी आपको, इंसर्ट में। फॉर्मेट की बात करें तो फॉर्मेटिंग, जैसे नंबर की फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह, फॉन्ट साइज वगैरह, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वगैरह, ये चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, फॉर्मेट में। डेटा में आते हैं तो डेटा में जो आपका मिलेगा, और डेटा से जैसे सॉर्ट करना, फिल्टर करना, पिवट लगाना, प्रोटेक्ट करना, ये चीजें जो है आपको, डेटा वैलिडेशन हो गए, टेक्स्ट टू कॉलन हो गया, ये चीजें आपको कहाँ मिलेगा, डेटा में। डेटा इसमें फिल्टर नहीं है, माफ कीजिए, पिवट टेबल नहीं है, पिवट टेबल आपको इंसर्ट में मिलता है, ठीक है? इसके बाद अगर हम टूल्स की बात करें, टूल्स में आपको जो स्पेलिंग चेक वगैरह जो होती है वो आपको यहां दिखेगा। एक्सटेंशन में मतलब कि क्या होता है कि टूल्स तक तो आपका स्प्रेडशीट है, उसके अलावा कुछ और एड ऑन कर सकते हो। एड ऑन मतलब जैसे कि आप मोबाइल में स्टोर होता है ना सर आपका, जहां से आप अपने नए नए एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हो, कुछ पेबल होता है, कुछ फ्री होता है, ऐसे यहाँ पे आपको एड ऑन आता है, जिसके ऐप शीट हो गया, या माइक्रोज हो गया, ऐप स्क्रिप्ट हो गया, या फिर और भी एड इन आप गेट और एड इन पे जाके स्टोर से ला सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने कुछ यहाँ पे बनाया, जैसे मैंने एक काम करता हूँ, एक छोटा सा डेटा तैयार करता हूँ, मैंने एक एरिया को सिलेक्ट किया और मैं सबसे पहले, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी कुछ टूल्स है, मतलब यहाँ पे आपके, ठीक है ना,
ये जो आपको दिख रहा मर्ज सेल दिख रहा है सर, मर्ज कर दिया। अब यहां पे लिखता हूं डेली सेल्स रिपोर्ट 2021 नवंबर, ठीक है। अब इसको बड़ा करने के लिए ये जो आपका 1 2 3 दिख रहा है मोर फॉर्मेट्स में आता है, और इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें इसकी साइज को इंक्रीज करना है। यस, तो साइज आपको दिख रहा है फॉन्ट साइज 10। यस, तो यहाँ पे डिफॉल्ट फॉन्ट आया कि अपने हिसाब से फॉन्ट चेंज कर लीजिए, और यहाँ आपके पास फॉन्ट की साइज आती है कि आपको कौन सी साइज फॉन्ट की चाहिए। उसके अलावा बोल्ड करना है, यहाँ आपका टेक्स्ट कलर है, इटैलिक है, ये आपका स्ट्राइक थ्रू है, ठीक है। और यहाँ आपका टेक्स्ट कलर है कि आप टेक्स्ट का कलर कैसे ले सकते हैं, इसकी यहाँ पे आपकी बैकग्राउंड कलर है कि जो टेक्स्ट है इसकी बैकग्राउंड क्या हो सकती है, ये चीजें आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके यस सर। अब एक समय कुछ कीबोर्ड यहाँ भी चलते से कंट्रोल यू मैंने अभी किया तो अंडरलाइन हो गया। यस, तो यहाँ पे कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, बी से अनबोल्ड होता है, तो शॉर्टकट भी कुछ चलते हैं यहाँ पे। फिर मैंने यहाँ पे दे दिया डेट, डेट, और यहां हमने दे देता हूं लोकेशन, लोकेशन। अब मुझे इसमें बॉर्डर देना है तो यहां से तो आप बॉर्डर दे सकते हैं, लेकिन ये क्या हो गया, ये आपके टॉप बॉर्डर हो गए, ये आपका पूरा बॉर्डर दे दिया कि पूरा बॉर्डर यहाँ पे दे, क्लिक करते बॉर्डर आएगा। तो क्लिक, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर का आ जाता है कि कौन सा बॉर्डर आपको चाहिए, तो मुझे बॉटम बॉर्डर चाहिए, तो हमने बॉटम बॉर्डर को क्लिक कट कर। अब इसमें चीज और भी आती है कि बॉर्डर तो चाहिए लेकिन बॉर्डर की साइज जो है, सॉरी बॉर्डर की जो कलर है वो कुछ और चाहिए, तो यहाँ से अपना बॉर्डर कलर चूज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर क्या होना चाहिए। फिर यहाँ पे मैं सीरियल नंबर देता हूँ, नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, सी अमाउंट, और हमने एक एरिया को लिया और यहाँ पे हमने ऑल बॉर्डर यहाँ पे गए, ये आपके सामने दिख रहा है ऑल बॉर्डर, हमने ऑल बॉर्डर लगा दिया। यहाँ हमारा टोटल और यहाँ हमने क्वांटिटी का, अब यहाँ पे सम फॉर्मूला इजी लगा सकते हैं, आप लगाते हैं yes. टैब प्रेस करेंगे तो आ जाएगा, और इसके बाद आप जैसे एक्सेल में लगाते हैं सेम उसी तरह से यहाँ आपको लगाना है, बिल्कुल एक्सेल की तरह, ठीक है। और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें जो बॉर्डर है हमारा वो बॉर्डर, यहाँ से हम बॉर्डर, ये तो बॉर्डर कलर है, और यहाँ से बॉर्डर के टाइप भी ले सकते थे, यहाँ पे हमने डबल लाइन ले लिया और नीचे हमने बॉटम, तो बॉटम में हमारे पास डबल लाइन आ गया। और यहाँ नीचे मैं दे देता हूं चेक बाय, और यहाँ देता हूं ऑथराइज बाय, ठीक है। yes. और यहाँ हमने इसको दे दिया अंडरलाइन, वापस बॉर्डर में जाता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेट बन के तैयार हो गया, ठीक है सर। तो फॉर्मेट बन के तैयार हो गया यहाँ पे। अब व्यू में हम आते हैं, व्यू में यहाँ पे देखिए शो फॉर्मूला बार ग्रिड लाइन, जो लाइनिंग है जो दिख रहा है यहाँ पे, लाइनिंग आपको दिख रहा है ना, लाइन कहते हैं, व्यू से जाके इसको हटा सकते हैं जी। तो हमने अभी आपके सामने एक अपना सीट तैयार कर लिया। यस, अब बात आती है कि इसको हम मेल कैसे करें, समझे सर। यस सर, मेल इन द सेंस कि मुझे ये चीज आपको भेजनी है, ओके। यस, तो अगर आप एक्सेल यूजर है तो मैं शेयर पे क्लिक करूंगा, शेयर पे क्लिक करने के बाद यहां पे लिखता हूं, जैसे मैं लिखता हूं आईपीटी
india@outlook.com, ठीक है? Yes. उसके बाद इसमें आता है कि क्या है, मतलब कि यहाँ पे ये तो आपने लिख दिया, उसके बाद आता है कि ये जो फाइल क्या है, इसमें चीजें है, इसमें दो चीजें दे सकते हैं, तो व्यूअर है, कमेंटेटर है या एडिटर है। व्यूअर के बारे में पहले समझते हैं, व्यूअर क्या होता है। व्यूअर का मतलब ये हुआ कि वो रिपोर्ट हमारे डेटा को दस देख सकता है, किसी तरह का चेंज नहीं कर सकता। कमेंटेटर हुआ कि किसी तरह का चेंज नहीं कर सकता, लेकिन किसी तरह की गलती पे वो कमेंट कर सकता है। yes. और एडिटर का मतलब हुआ कि वो एनीथिंग कर सकता है, ठीक है? तो आपकी डेटा और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप तीनों में से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे किया सेंड, यहाँ पे दिख रहा है शेयर टू नॉन गूगल अकाउंट, यू आर सेंडिंग द इनविटेशन ipt@outlook.com सिंस देयर इज नो गूगल अकाउंट एसोसिएटेड विद दिस ईमेल एड्रेस, एनीवन होल्डिंग द इनविटेशन विल बी हैव एक्सेस टू विदाउट साइन। तो मैंने बोल दिया शेयर एनीवेयर, तो क्या हुआ कि ये गूगल को होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए ऐसा बोला है इसने। तो अब मैं आउटलुक को खोलता हूं, अगर किसी जीमेल, एक मिनट अभी थोड़ा देर में मेल आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज जान लीजिए कि अगर किसी ईमेल वाले को शेयर करते हैं तो यहाँ शेयर विथ मी में उसके पास आ जाता है, ठीक है? शेयर विथ मी, देखिए जिसने मेरे मुझको शेयर किया है उस सब का यहाँ पे आपको दिख रहा है फाइल। तो जैसे कि आपने किसी को शेयर किया तो उसको मेल पे एज अटैचमेंट नहीं जाएगी। देखिए यहाँ पे मुझे जो दिखा, यहाँ पे मुझे कुछ अटैचमेंट नहीं दिखा है, नहीं दिखा है सर, मुझे कोई अटैचमेंट नहीं देखा, मुझे एक लिंक मिला है। जब मैं इसको ओपन पे क्लिक करूंगा तो ये आपका ओपन हो जाएगा, हो गया सर? क्लियर है? यस। अब यहां मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने डेट डाल दिया, यहाँ डेट जो है मैं डाल दिया 7 आज का डेट। आज डेट हो गई 9/11, ठीक है? लोकेशन हमने दे दिया, ओके? यस। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, बंद करता हूं। अब मेरी इस पे आई वापस, ठीक है सर? यस। क्योंकि मैंने उसको एडिटर किया हुआ, तो जो भी एडिट करेगा वो मेरे इस फाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो एक शेयर तरीके से काम करता है कि जैसे एक ही फाइल को अगर आपने 10 लोगों को भेजा हुआ है तो 10 लोग किसी भी लोकेशन से इस फाइल के अंदर कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो आपका ओरिजिनल फाइल में अपडेट हो जाएगा, ठीक है? यस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो व्यूअर शेयर करना है या एडिटर शेयर करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यस। अभी से मान लीजिए मुझे इस फाइल को एक्सेल पे लेके करना है, मान लीजिए कि मुझे गूगल शीट यूज नहीं करनी है, एक्सेल यूज करना है आपको, तो यू कैन डाउनलोड कीजिए एक्सेल। डाउनलोड करने के बहुत सारे ऑप्शन है, फिलहाल हम एक्सेल की बात करें, यहाँ आप एक्सेल में इसको डाउनलोड कीजिए, ठीक है? Yes. एक्सेल जब डाउनलोड करके जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो ये एक्सेल फाइल में आपका ओपन, तो ये एक्सेल फाइल में ओपन होते, ऐसा नहीं कि गूगल की सारी चीज आ जाएगी, बहुत कुछ ऐसे फॉर्मूले आपने लगाए हैं जो एक्सेल में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो फॉर्मूले अप्लीकेबल नहीं। ऐसा मतलब फॉर्मूला तो वर्क करता है तो ये ओपन हो गया है, लेकिन जैसे कि ये आता है गूगल ट्रांसलेटर, ऐसे और भी फॉर्मूले है जो भी कंपोनेंट जो आपने गूगल शीट में यूज किया है और एक्सेल में वो अवेलेबल नहीं है, ऐसे कंपोनेंट वहां से गायब हो जाएंगे, ठीक है? तो आप जो आपको क्या करना है, मुझे इसी तरह का 5-10 फॉर्मेट तैयार करना है और फॉर्मेट तैयार करके आपको देना है।
ठीक है। जी तो अभी जो है इतना करके मुझे भेजिए, कल की क्लास में हम आपके साथ आगे की चीजों पे बात करेंगे। जी।